अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। उसी के संदर्भ में आज पत्रकार वार्ता आयोजित की गई है। आगे के मार्गदर्शन के लिए आदरणीय जिलाध्यक्ष महोदय संबोधित कर जनता पार्टी जिला कार्यालय पर स्वागत है, अभिनंदन है। आज सामाजिक समरसता यात्रा बहुत विस्तार से इस यात्रा के बारे में, इसके उद्देश्य के बारे में, पार्टी के विचारों के बारे में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के 5 विभिन्न जिलों के बारे में आप लोगों को अवगत कराया है। अगर मैं मेरी विधानसभा की बात करती हूँ तो ये यात्रा देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव की दृष्टि से किसी को साधने के लिए काम नहीं करता है। आपने देखा होगा पिछले 5 साल या पिछले पूरे 20 साल से जो हमारी सरकार रही है, हमने सब समाजों के लिए, सभी वर्गों के लिए एक जैसा काम किया है। कभी इसलिए नहीं किया क्योंकि नहीं, ये तो एक समरसता का उद्देश्य परिपूर्ण करने के लिए, पार्टी का जो नीति है उसको पूर्ण करने के लिए ये काम हो रहा है। चामुंडा देवी या देवी कॉरिडोर बन सकता है, इसका जो हमारा अगले 5 साल का विजन है उसमें प्रस्तावित है चामुंडा माता के लिए भी कॉरिडोर। इतना भव्य नहीं होगा जितना महाकाल का है, इतना बड़ा नहीं होगा, पर दोनों माताओं के मंदिर को सम्मानजनक से हम पेश कर सकें, दर्शनार्थियों को सम्मानजनक एक कॉरिडोर दे सकें, ऐसा प्रयास है। और इसका प्लानिंग पूरा चल रहा है नगर निगम के माध्यम से और बहुत ही जल्दी हम इसका भी प्रस्ताव रखेंगे आपके सामने। श्री संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए, सामाजिक समरसता का जो उनका उद्देश्य था उसे पूर्ण करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सागर में 102 करोड़ रुपए की लागत से 35 एकड़ जमीन पर एक भव्य मंदिर बनाने का प्रस्ताव रखा है। उसका शिलान्यास करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी आ रहे हैं 12 तारीख को। इसीलिए प्रदेश से 5 बड़ी यात्राएं अलग अलग क्षेत्र से निकलकर सागर पहुंचेंगी। उसमें हर विधानसभा अपनी उप यात्राएं जोड़ती हुई, हर क्षेत्र से एक मुट्ठी मिट्टी और एक कलश वहाँ की पवित्र नदी का जल लेकर हम सागर पहुँचाने वाले हैं। हमारी देवास विधानसभा में 5 तारीख को यात्रा का प्रवेश होगा। हमारी देवास की विधानसभा से भी 15 से 20 उप यात्राएँ निकलेंगी जो सयाजी द्वार पे उस मुख्य यात्रा में सम्मिलित होंगी और शहर के बीच से होती हुई तहसील चौराहे नयापुरा से होती हुई नहर दरवाजे जाकर समापन होगा उस यात्रा का। सभी वर्ग से, सभी समाजों से आग्रह करती हूँ कि बढ़ चढ़ कर इस अच्छे काम में, अच्छे उद्देश्य के लिए सब लोग निकलें, सहभागिता करें और इसको सफल बनाने में अपना योगदान दें। धन्यवाद।